ritenuto di stabilirmi in una piazza di quanti fare così. Algo di lento di lusso di attività. Scotch 2-3. Read the passage. Read the passage carefully and answer the question given below it. In spring, polar bear mothers emerge from dens. With 3-month-old cubs, the mother bear has fasted for as long as 8 months, but that does not stop the young from demanding full access to her remaining reserves. If there are triplets, the most persistent tends to gain an extra meal at the expense of others. The smallest of the cubs forfeit many meals to stronger siblings. Females are protective to their cubs, but tends to ignore family regularly over foods. In 21 years of photographing polar bears, I have only once seen the smallest of triplets survive till autumn. इस पेज में बताया गया है कि पोलर बियर स्प्रिंग में 3 महीने के बच्चों को लेकर गुफा से बाहर निकलती है और 8 मंथ तक उसी को पालती है और उन्हीं की और उनकी डिमांड को नहीं रोकती, उनकी रक्षा करती है और उनके फूड के लिए लड़ने के लिए नहीं रोकती। ओधर ने 3 बच्चों को ऑटम के सीजन तक सर्वाइव करते हुए देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर वन। पोलर बियर फीमेल पोलर बियर्स गिव बर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑटमन समर एंड विंटर। ऑप्शन नंबर इज डी विंटर, क्योंकि जो स्प्रिंग में बाहर निकली थी वो बच्चा उसमें बच्चा 3 महीने का था, तो इसका मतलब बियर ने जो जन्म लिया था वो सर्दियों के टाइम पर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मदर बियर्स ऑप्शन नंबर ए टेकन साइड्स ओवर कप्स, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट दी कप फेंड फॉर देमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी फीड्स ओनली देयर फेवरेट, ऑप्शन नंबर डी सी डेड ऑल कप्स गेट एन इक्वल शेयर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कि वो अपने बच्चों को मेहनत करती है और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। अपना फ्रेंड का मतलब होता है टू लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैज बीन मेड। 1. पोलर बियर फास्ट एज लॉन्ग एज 8 मंथ ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ प्रे। 2. पोलर बियर ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली, ऑप्शन नंबर टू सॉरी बी सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर थ्री फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, ऑप्शन नंबर डी नेदर वन ऑन नेदर सेकेंड। आंसर इज डी, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस इस पेज में जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये दोनों को क्लेरिफाई नहीं करता है कि दोनों ऑप्शन सही हों, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अपना आंसर हो गया डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज ए क्लोज टेस्ट। As home entertainment, television are rapidly becoming more dense than any other form. A news broadcast becoming more imitative than people actually see the scene, dash question and the movement of the figures. Films could be viewed in the dash of the home and a variety of shows are also available. One of the advantage of travel programs is the dash of faraway places, which many viewers would not dash see. इस पैसेज के अंदर टेलीविजन का यूज बताया है कि एक पर्सन घर के अंदर रहकर भी सारी न्यूज और फिल्म को देख सकता है और उस स्थान को भी देख सकता है जहां वह कभी नहीं गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, एस होम एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर पॉपुलर देन एनी अदर फॉर्म्स, ए न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकमिंग मोर इमीडिएट व्हेन पीपल वुड एक्चुअली सी द सीन। With question and the movement of figures. Films could be viewed in the comfort of the home and a variety of shows are also available. One of the advantages of travel program is the glimpse of
fairway places which many viewers would not see. Would not otherwise see. Glimpse का मतलब होता है झलक, किसी चीज की झलक को देखना, momentary और partial preview. तो इसका आंसर इमेज तो आ नहीं सकता, पिक्चर भी नहीं होगा, पोर्ट्रेट एंड तस्वीर होते ये भी नहीं होगा. तो इसका आंसर ए इसलिए था. एंड रेदर वाइज अनप्लेसेंट सेंस की यूज करता है, ये भी नहीं होगा. इलाइस नहीं होगा, पॉसिबिलिटी का उसका कोई मतलब नहीं बनता. तो अपना आंसर इसमें डी था. एंड वाक्य की बात करें तो देखो सेवन्थ के अंदर कंफर्ट की बात की गई है, अधिकार की बात नहीं की गई, असिस्ट मतलब सहायक की बात नहीं की गई, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ की बात नहीं की गई. बिथ का यूज प्रोपोजिशन के साथ किया गया है, बिथ क्वेश्चन सीन जो दिखाया गया वो क्वेश्चन के साथ दिखाया गया था. एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज पॉपुलर की बात की गई है, टेलीविजन पॉपुलर है, इंटरेस्टिंग नहीं है, पावरफुल भी नहीं है और पर्पसफुल भी नहीं है. एंड इसके अंदर वर्ड आएगा, एबिलिटी की बात नहीं कही, विश या फ्यूचर की बात नहीं कही, सेल का प्रयोग तो हुआ नहीं इसमें. नाउ कम टू द टेंथ क्वेश्चन. चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. इसमें अपने को सोनाश बताना है. इनट्रांसिजेंट, इनट्रांसिजेंट का सोनाम क्या होगा? विलिंग टू चेंज वंस व्यू, अनविलिंग टू चेंज वंस व्यू. इनट्रांसिजेंट मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यू को चेंज नहीं करना चाहता. ऑथोरिटी मतलब द रिलायबल. स्ट्रेसनेस मतलब यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, जो अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज करता हो, कठोर बोलना हो. इम्पर्सनल मतलब इन्वॉल्विंग पर्सनल फीलिंग्स. अनवेंडिंग मतलब स्टेक इन मेवर, जो किसी भी चीज़ को तुरंत चेंज करने में पॉसिबल ना हो. तो इसका आंसर हो जाएगा अनवेंडिंग. इमिटेट मतलब होता है डर. मिसलीड मतलब किसी को गलत राय देना. फिटना मतलब भी डर. इसका आंसर हो जाएगा सी. एंड मिसप्लेस मतलब होता है पुट इन रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर रख देना. डिमोरलाइज मतलब अपना साहस कॉन्फिडेंस खो देना. तो अपना आंसर हो गया सी. नाउ कम टू द ट्वेल्थ. स्पोरैडिक मतलब होता है रुक रुक कर. एपिडेमिक मतलब कोई बीमारी, ओके मतलब कभी कभी होना. एंड बिल्डिंग मतलब चारों ओर घूमने के लिए एंड राउंड ट्रिप में. स्टिंगेंट मतलब होता है मोशनलेस, गतिहीन. तो इसका अपना क्या आंसर हो जाएगा? उसका मतलब ओकेशनली एंड नॉट कंटिन्यूस. तो इसका आंसर हो गया सी. जिनेसिस, जिनेसिस मतलब होता है शुरुआत करना. स्टाइल ये सब जानते ही हैं, ये इसका आंसर नहीं है. मूवमेंट चलना, ये भी इसका आंसर नहीं है. बिगनिंग शुरुआत करना, ये इसका आंसर हो जाएगा. रिलेवेंट मतलब कोई चीज़ वैध हो, तर्कपूर्ण हो, ये भी इसका आंसर नहीं है. नाउ कम टू द 14th. 14th चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. इसमें अपने को एंटीनोम्स बताना है. मेलिबोनलेंट, मेलिबोनलेंट मतलब दोस्त. कार्डिनोम्स दयालु, अपने को अपोजिट बताना है. तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा, सॉरी एंटीनोम्स हो जाएगा. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. एम्बिवेलेंट का है स्पष्ट, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. ये इतना सिनोनिम्स ना एंटीनोम्स है. इसका मतलब लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस, बिना को सोचे समझे, ये भी इसका आंसर नहीं है. प्रीमेटिव होता है फर्स्ट, जो पहले करता हो, शुरुआती. रूडीमेटरी मतलब होता है शुरुआती. प्रोग्रेटरी जब किसी भी सोल मतलब आत्मा को हेवन में जाने से पहले जो परेशानियां झेलनी पड़ती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेटरी. रिवार्ड मतलब इनाम देना, ये इसका एंटीनोम्स हो जाएगा. फ्लॉलेस परफेक्ट, बिना गलती वाला, तो ये इसका आंसर नहीं है. कैलेस्टियल जो स्पेस में पाई जाती हैं बॉडीज, उसको कैलेस्टी बोलते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली मतलब नज़दीकी, ये भी इसका आंसर नहीं है. आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. इसमें जो प्रोजेक्ट बताने अपने को, क्लीमेंसी मतलब होता है दया. कॉर्पोरल मतलब शारीरिक, रिलेटिव टू द ह्यूमन बॉडी. कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट करना ऑफ डिस्प्यूट. इंटॉलरेंस मतलब जो टॉलरेबल ना हो. अनविलिंग टू एक्सेप्ट और व्यूज. सेंसिटिविटी मतलब समझदार. अपना था क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मतलब दया. दया का मतलब क्या, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनटॉलरेंस. कैजुअल, कैजुअल मतलब घुसा मत करना. परस्यूट और फ्लैटर सिनोनिम्स हो जाएंगे.
नेस्टल मतलब आश्रय देना, पनाह देना। बोली मतलब धरा धामका का कुछ कराना। यूज सुपेरियर पावर टू इंटीमीडिएट संबंध। सक्सीड विड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मेंबरशिप को लीगली पूर्वक वापस ले लेना। मोस्टर मतलब हल्का सा गीला। तो कैजुअल का मतलब था अपना कुछ समझ करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोली डरा धमका कुछ कराना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, विल एंड वॉय। अब हम करेंगे फ्रेसेस। विल एंड वॉय, विल एंड वॉय का मतलब होता है अच्छा टाइम और बुरा टाइम। तो वाई एंड हुक, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। वाई हुक और क्रुक, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ड्यूरिंग इलनेस बीमारी के दौरान, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑपरेशन के दौरान। तो अपना हो जाएगा सी, प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छे टाइम और एडवर्सिटी मतलब कठिनाई का टाइम। ग्लोब ट्रॉटर जो सब जगह घुमा हुआ हो। तो पीपल अगेंस्ट ग्लोबल फिलोसॉफी, ये इसका आंसर नहीं है। इंटेलिजेंट भी नहीं होगा। पीपल इंडल्जिंग ट्रेजरी, ये भी नहीं होगा। टेबल अराउंड द वर्ल्ड आ गया ना, तो आंसर नंबर डी। नाउ कम टू द 20, कर्टन लेक्चर। कर्टन लेक्चर का आंसर हो जाएगा सी, प्राइवेट में पति को स्कॉल्ड करना वाइफ के द्वारा। टू स्पीक प्लेनली, ये भी नहीं है। वल्गर आइडियाज, फालतू के आइडियाज, ये भी नहीं है। अल्टरस घृणा करना, ये भी नहीं होगा। 21, स्क्वायर पैक इन राउंड होल्स, मतलब एक ऐसा होल्स जिसके अंदर राउंड होल और जिसके अंदर अपन स्क्वायर पैक डाल रहे हैं, मतलब जो सूटेबल ना हो, गलत काम हो उसके लिए। ए जेनुअली हेल्पफुल पर्सन, ये नहीं हो सकता। ए क्लेवर पर्सन, ये भी नहीं होगा। टू परप्लेक्स मतलब हैरान हो जाना, ये भी नहीं है। पीपल इन रॉन्ग जॉब्स, ये होगा, गलत काम करना जो उस टाइम के लिए सूटेबल ना हो। नाउ कम टू द 22, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा सही है अपने को ये बताना है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है क्लेमनेस, स्पेशली आफ्टर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, मीन्स किसी भी कठिनाई के बाद जो शांति मिलती है उसको इक्वानिमिटी मिलते हैं, इक्वानिमिटी। 23 क्वेश्चन, 23 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेटरिनरी। वेटरिनरी मतलब होता है जानवर को डॉक्टर। ए पर्सन ट्रेंड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोनोइसर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको टेस्ट का बहुत अच्छा ज्ञान हो। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। नाउ कम टू द 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, मोनिफिशेंट। मोनिफिशेंट का मतलब क्या होता है? जिनरस, उदार, दानी, जो दयान करने वाला हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इनएजीपी। इनएजीपी का मतलब होता है अपन अब क्या करने वाले हैं? आइडियम्स। आइडियम्स में अपना आता है 26 इनएजीपी। इनएजीपी का मतलब होता है एने फिक्स, किसी भी कठिनाई में होना। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छा कर देना, सडनली मतलब अचानक, अप्रोप्रिएट मतलब उचित होना, ये भी नहीं है। अप टू द हेल्थ, अप टू द हेल्थ का मतलब ये होता है कंप्लीटली, तो आंसर हो जाएगा ए। अप टू द फाइनल डिसीजन नहीं है, अप टू द मार्क भी नहीं है, नन ऑफ दिस है ही नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, मैन ऑफ लेटर्स, जो बहुत कुछ जानता हो। हु राइट टू मैनी लेटर्स, ये नहीं है। ए पॉलिटिशियन, ये भी नहीं है। एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ये भी नहीं है। ए रे लेटर्स पर्सन, जो लिटरेचर में बहुत कुछ जानता हो तो मैन ऑफ लेटर्स होता है। सेंग पर मतलब होता है हॉपफुल, आशावादी, कंपोजर। पेशेंस, क्लेमनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेंज सडनली में नहीं होगा, अचानक बदल जाना। गो ऑन लीव, छुट्टी पर जाना, ये नहीं होगा। मेक एन अटेम्प्ट, कोई काम करना, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 29 क्वेश्चन थे, ये खत्म हो चुके हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए,
एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।